हेलो एवरीवन, हाय, कैसे आप सब लोग दोस्तों? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका समय बहुत अच्छा हो। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि ट्विंस के सप्रेस इमोशंस, दबे हुए उनके इमोशन और उनका सरफेस पे आना। सो जैसे कि जो रियल इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे कि जब वो अपने पर्सन से मिले और उसके बाद जो है अचानक उनके साथ ऐसे होने लगा कि बहुत सारे दबे हुए इमोशंस जो हैं धीरे धीरे करके सरफेस पे आने लगे। और जैसे कि आप में से कई जब मेरे साथ सेशन लेते हो तो आप बोलते हो कि ऐसा कभी हुआ नहीं हमारे साथ, इतना हम कभी किसी के लिए रोए ही नहीं, इतना हमें पुरानी बातें याद आई ही नहीं। लेकिन अब इस इंसान के आने के बाद, इस लड़की के आने के बाद, इस लड़के के आने के बाद, इस इंसान के आने के बाद से मेरे बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो रही हूँ या हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तड़प रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सिसकियाँ मार रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पुरानी बातें याद आ रही हैं, इसकी शक्ल मेरे पापा से मिल रही है, इसकी शक्ल मेरी मम्मी से मिल रही है, इसका बिहेवियर पैटर्न काफ़ी, कभी कभी जो आपके ट्विंस के जो बिहेवियर होते हैं वो काफ़ी आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा में से किसी एक से भी मिलते जुलते होते हैं। तो ये हो क्या रहा है? देखो, सबसे पहला बड़ा सत्य ये है कि ट्विंस हमेशा एक दूसरे से तब मिलते हैं जब एक प्रकार का प्लैनेटरी, यानी कि ग्रहों की एक ऐसी स्थिति बनती है कुंडली में, महादशा, अंतर्दशा या इस प्रकार से स्थिति बनती है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होती है, ठीक है। और इस पर मैंने बहुत बड़ी रिसर्च की हुई है एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन उन चीज़ों के बारे में फ्यूचर में बात करेंगे। अभी तो जो चल रहा है वही चला रही हूँ अभी मैं, फिर फ्यूचर में वहाँ पे भी जाऊँगी। सो एस्ट्रोलॉजी में आपके आपके ग्रहों की कुछ इस तरह स्थिति बनती है जो ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए रेडी होते हो, मतलब रेडी रहते हैं, रेडी करते हैं यूनिवर्स, मतलब ग्रह स्थिति ऐसी स्टार्ट होती है जिसमें कि ट्विंस के ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। सो जब ये लोग मिलते हैं तो इनका जो ट्विन है उनको देख के कहीं ना कहीं, अब देखो इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस 3D वर्ल्ड में ग्रहों ने तो, ग्रहों की स्थिति तो स्टार्ट हो गई, लेकिन यूनिवर्स को चाहिए ना कि हम वो जो खोई हुई याददाश्त है या जो दरवाज़ा बंद है उसको खोले तो सही, तभी तो वो इमोशंस बाहर आएंगे, तभी तो रिलीज़ होगा, है ना। नहीं तो ये तो भरे पड़े हैं। तो ऐसे इमोशंस इन्होंने दबा रखे हैं जिसको अगर इन्होंने ज़्यादा टाइम दबा दिया तो भाई बीमारियां लग जाएंगी, न जाने क्या क्या हो जाएगा। इसीलिए कई ट्विंस का देखो, आप कितने सारे ट्विंस मुझे बताते हैं कि उनका वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, उनकी शादियां हो रखी हैं, उनकी कोई सेक्स लाइफ ही नहीं है उनसे। क्यों? क्योंकि वो चक्र ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इमोशंस वहाँ दबे हुए हैं, कहीं ना कहीं चक्रास ब्लॉक हो रखे हैं। और भी कई लोग इतनी पोटेंशियल्स हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे, कई लोग बड़े अच्छे हैं लेकिन उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि वो ब्लॉक हो रखे हैं चक्रास। तो अब क्या है कि यूनिवर्स को कोई तो चाहिए ना कि भाई इसको लिख के जाओ, इसको ट्रिगर करो और इसके वो सारे सप्रेस इमोशंस को बाहर लेके आओ सरफेस पे और उसकी क्लियरिंग करो। जितनी ज़्यादा वो साफ होंगे उतना ज़्यादा फिर ये बैक टू लाइफ हो पाएंगे। एक लड़की आई थी मेरे पास, उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत प्यार करती थी अपने पापा से, बहुत ज़्यादा अपने फादर से प्यार करती थी, और उनके फादर भी इस तरीके के किसी जर्नी में थे, उनके फादर की कोई और ट्विन थी और उनकी शादी कहीं और हो गई थी, और वो ज़िंदगी भर बस रोते ही रहते थे, उन्होंने मुझे बताया। एंड देन उस लड़की ने बताया कि जब उसके फादर एक्सपायर हुए तो वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी अपने फादर से, बहुत ज़्यादा प्यार था। तो उसने बताया कि जब उसके फादर एक्सपायर हुए तो उसको वो ब्लैंक हो गई, मतलब वो इतना प्यार करती थी अपने फादर से, लेकिन जब उसके फादर गुजर गए तो उस लड़की ने मुझे बताया जो अपने ट्विन फ्लेम केस में है, उसने बताया कि वो ब्लैंक हो गई, इवन उसको उसकी आँख से आंसू तक भी नहीं आ पा रहे थे। मतलब उसको ऐसा हो गया कि ये क्या हो गया। हालांकि उसके फादर बहुत परेशान भी थे, बीमार भी थे, तड़प ही रहे थे अपनी ज़िंदगी में। तो जब वो रिलीज़ हो गए, मतलब इस दुनिया से चले गए, तो वो लड़की ने बोला कि मैम मुझे समझ नहीं आया कि उस वक्त हुआ क्या और मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो उसने बोला कि वो रो भी नहीं पाई, वो जल्दी से ऑफिस जाने लग गई, मतलब एक दो दिन बाद ही ऑफिस जाने लग गई,
और काम करने लग गई, और वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ हुआ क्या, ये कैसे उसके फादर चले गए दुनिया से। तो मुझे बड़ी इमोशनल भी लगी, मतलब ये सब बातें ना। तो 10 साल के बाद जब उसकी लाइफ में उसका ट्विन आया, और जब उसने अपने ट्विन को देखा, और जब मैंने उस लड़की की कुंडली को भी देखा, तो वो ग्रह स्थिति वही थी जो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पीरियड की होती है। तो उसने बोला कि जब मैंने अपने ट्विन को देखा तो मुझे वो बिल्कुल मेरे फादर के जैसा दिखा, और जब कहती कि मैंने उससे बात की तो बात करने का स्टाइल वही जैसे उसके फादर किया करते थे। एंड शी वाज सेइंग कि मैम मैं बस रोना शुरू कर दिया, मैं इतना, उसने बोला कि मैंने मैम इतना रोया, और रोते वक्त मुझे ये नहीं पता चलता था कि मैं किस लिए रो रही हूँ, लेकिन ये रोना वो जो फादर गए थे ना 10 साल पहले, ये तब निकलना था, ये 10 साल पहले ये इमोशंस निकलना था, जो निकला नहीं सदमे की वजह से, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल हालत भी ख़राब थी उस ज़माने में, उस लड़की को घर भी संभालना था, काफ़ी कुछ करना था। तो लड़की ने बोला कि वो इमोशन उस वक्त जो रिलीज़ नहीं हुआ, वो अब यूनिवर्स ने इस बंदे को जब इससे मिलाया और उसकी वो मेमोरीज को खोला, वो सप्रेस इमोशंस को खोला, तो इस लड़की ने बोला कि मैम मैंने इतना रोया, और मैं हर वक्त रोते हुए बोलती थी कि इसकी शक्ल उससे क्यों मिलती है, मेरे पापा से क्यों मिलती है। ये यूनिवर्स का एक प्लान था, कि भाई अब हम इसके थ्रू जो है तुम्हारे सारे अंदर की वो चीज़ें रिलीज़ कराएंगे। उसके बाद 10 किलो वज़न भी कम हो गया उस लड़की का। मतलब ये जो हम इमोशंस को अंदर फंसाते हैं, ये हमारे शरीर में रोग बन के बैठ जाते हैं, ठीक है। सो आप में से भी कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा लाइफ में कि कभी कोई सदमा हुआ होगा, कभी कोई ऐसी बात हुई होगी जिसने आपको बहुत हर्ट किया होगा, और वो इमोशन रिलीज नहीं हुआ अंदर से, और आपको समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या, और वो दब गया अंदर ही हालातों के चलते। और फिर जब आपकी ग्रहों की कुछ इस प्रकार से स्थिति बनी जिसमें कि सप्रेस इमोशंस का सरफेस पे आना शुरू हुआ, और जब वो इमोशन रिलीज हुए तो आप हकबक आ गए कि भाई ये मैं 10-10 घंटे रो किस ले रही हूँ, ये मुझे हो क्या रहा है, ये पुरानी बातें क्यों याद आ रही हैं। तो जो हो रहा है एक्चुअली में अच्छे के लिए ही हो रहा है, ठीक है। सो इसीलिए कहते हैं कि रेगुलर बेसिस पर, अगर हर इंसान रेगुलर बेसिस पर योग, ध्यान, सब चीज़ें करता रहे, नेगेटिविटी से दूर रहे, अच्छी किताबें पढ़े, गुरु के मार्गदर्शन में रहे ना, तो इस तरीके की चीज़ें होंगी ही नहीं ज़िंदगी में, नेचुरल फ्लो होगा लाइफ में। रोना है तो रोना आ रहा है, हंसना है तो हंसना आ रहा है, प्यार है तो प्यार आ रहा है। ऐसे नहीं है कि ज्वालामुखी फट रहे हैं, है ना। और ज़्यादातर जितने लोगों को डिप्रेशन होता है वो कारण ही यही होता है, क्योंकि सप्रेस इमोशंस जो हैं वो सरफेस पे आ रहे होते हैं। कितने सारे लोग जो बोलते हैं कि ट्विन के आने के बाद हम पागल जैसे हो रहे हैं, हमें एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहे हैं, हो क्या रहा है? ये सारे जो आपके घर में जो तमाशे हुए थे या जो इश्यूज हुए थे जिनमें आपने फुली एक्सप्रेस नहीं किया या फुली वो इमोशंस बाहर नहीं निकले, वो अब इस इंसान के ट्रिगर से वो सारा का सारा बाहर आ रहा है। अब इतना सारा बाहर आ रहा है कि एंजाइटी हो रही है। हमारी सोसाइटी ऐसी इस तरीके की है कि अब धीरे धीरे शायद अब चीज़ें सुलझें, धीरे धीरे इस तरीके के लोग बाहर आएं। पहले भी थे ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर समाज में, अब और आएंगे, नए नए जवान लोग आ रहे हैं, अब वो समझाएंगे तरीके से कि किस तरीके से लोगों को एक नॉर्मल नेचुरल लाइफ जीनी चाहिए। सो ये वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक पे था कि क्यों ट्विंस को इतना एंजाइटीज होने लग जाता है, कैसे उनके सप्रेस इमोशन इस तरीके से सरफेस पे आने लगते हैं, और कैसे ये बवंडर मचने लगता है, कैसे ये ज्वालामुखी फटने लगता है, और ये ग्रह स्थितियों की वजह से होता है। बट यूनिवर्स को तो आपके मतलब आपके साथ एक किसी इंसान का कॉन्ट्रैक्ट भी जोड़ रखा है कि ये आएगा, फिर इस तरीके से ये आपकी वो जो भूली हुई मेमोरीज थी उसको जगाने में मदद करेगा, और फिर जो है आपकी वो सारी चीज़ें जो अलग अलग चक्रास में फंसी हुई हैं वो सरफेस पे आएंगी, और अगर वो आएंगी, निकलेंगी, बाहर निकल जाएंगी पूरी तरीके से, वो साफ हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा है। कई बार आपको बहुत गुस्सा आया होगा और आपने उस गुस्से को दबाया होगा, और फिर बाद में आप गुस्से में पागल हो रहे हो, चिल्ला रहे हो बुरी तरीके से। अब देखो ये भी कितना वो है ना, एक सिंपल सी लाइफ है। अगर हम डेली कुछ देर 20 मिनट की मेडिटेशन कर लें, डेली थोड़ा सा 1 घंटे अच्छे से
नेचर प्रकृति में रह ले, वॉकिंग एक्सरसाइज कर ले, अच्छे गुरुओं के मार्गदर्शन में रह ले, अच्छी किताबें पढ़ ले, अच्छी चीज़ों में रहें, अपने माइंड को सही प्रोग्राम करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ इस तरीके से दबेगी। तो ये लड़की का मुझे बहुत दुख होता था जब वो, मतलब मेरी जब सेशन होता था तो मुझे जब सुनती थी तो मुझे अजीब सा लगता था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मेरी भी कहानी ऐसी है और मेरे टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था कि जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे तो आई वाज लाइक शॉक्ड कि ये कैसे हो गया। एंड जब भी मैं किसी और के फादर को देखती थी उनके साथ तो मैं बड़ी इमोशनल हो जाती थी कि मतलब मेरे ही फादर क्यों चले गए इस दुनिया से इतनी जल्दी। एंड सच में जब मेरी भी अवेकनिंग हुई थी तो मैं भी अपने, जब मैं रोती थी तो मैं मैक्सिमम टाइम अपने फादर को ही याद करती थी और मैं कहती थी कि अरे ये तो उस वक्त तो निकला नहीं इतना रोना, और अब देखो कितना निकल रहा है, क्योंकि उस वक्त वो दब गया था और अब जब वो चक्रा हमारे खुलने शुरू हुए तो वो कचरा जो है बाहर आना शुरू हुआ, और इस कचरे का साफ होना बहुत ज़रूरी है। इन अननेसेसरी या स्टोर्ड इमोशंस अगर अंदर ही रह गए तो शरीर को ये बीमारी पकड़ लेंगे, शरीर में न जाने क्या क्या पकड़ जाएगा, रोग, पता नहीं किस किस तरीके के रोग पकड़ जाएंगे। तो अपने अंदर चीज़ों को दबाओ मत, एक्सप्रेस करो, लीव योर लाइफ।